बता रहे कि अगर वज्जा तो केरा का गुंडा तो गुंडा है हम तुम्हें इनकी ताकत माकत नंजा के जिन कर के कोने उसे का चुके दी पुलिस वालों को मैंने 4:30 बजे एसपी साहब को फोन लगा दिया था। मध्य प्रदेश के सागर जिले का खड़ा कोटा कांड, जहां कांग्रेसी प्रत्याशी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कुछ लोगों पर मामला दर्ज हुए हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गोपाल भार्गव को घेर रही है। इस पूरे मामले का सच क्या है, कुछ पड़ताल के बाद सामने आया है कि मामला क्या है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ बयानों को सुनने के बाद पूरी तस्वीर क्लियर होती नजर आ रही है। हम घटना वाले दिन का ही जिक्र करते हैं। तारीख थी 18 नवंबर, 2:19 हुए थे और यह पूरा वाक्य हम यहीं से शुरू करते हैं। यह नगर पालिका बस स्टैंड है, जहां 2:19 पर मिंटू चौरा की गाड़ी रुकती है, जो कांग्रेसी है। यहीं पर श्रीराम भार्गव का ऑफिस है और यह गाड़ी कुछ देर रुकी रहती है। कुछ लोग इस गाड़ी से उतरते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी वापस चली जाती है। अब हम एक बयान सुन ले। अब ज्योति पटेल जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं, वो प्रेस वार्ता में यह साफ कह चुकी हैं कि उनसे पहले मिंटू चोरा गड़ाकोटा में थे, मुझे बाद में बुलाया गया। साथ ही वो यह कह रही हैं कि हम 6 लोग थे। वहाँ पर हमारे जो बड़े भैया हैं, हमारे गांव के निवासी हैं, अभिलाष सिंह चिंटू चोरा, और उनके साथ ही हमारे उनके छोटे भाई हैं, जो हमारे बड़े भैया है मिंटू चोरा जी, देवेंद्र सिंह मिंटू चोरा जी, तो ये लोग पहले से हमें वहां पर उपस्थित मिले थे। जब मैं अब दूसरी तस्वीर हम आपको बताए देते हैं, यह सीसीटीवी फुटेज का दूसरा एंगल है। शाम के 4:19 है और मिंटू चोरा का यहाँ से काफिला निकलता है। पहले 4 गाड़ियां, उसके बाद 3 गाड़ियां निकलती हैं, यानी 7 गाड़ियां हैं। अगर 7 गाड़ियों में 5-5 लोग बैठे हैं तो कुल जमा 35 से 40 लोग होते हैं। अब कांग्रेसी प्रत्याशी ज्योति पटेल कहती हैं कि हम अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता अर्जुन के घर उनसे मिलने पहुंचे थे, हमारे साथ 6 लोग थे, लेकिन 6-7 गाड़ियां ये बयां कर रही हैं कि मांजरा कुछ और है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सागर एसपी को 4:30 पर फोन लगाया, जबकि ज्योति पटेल की गाड़ियों पर हमला तो 5:30 पर होता, जिसे वो खुद लाइव करती नजर आती हैं। 4:30 तक कोई घटना ही नहीं हुई तो कांग्रेस प्रत्याशी एसपी साहब को क्यों फोन लगाती हैं? यह सवाल वहीं से खड़ा। अगर मिंटू चोरा के साथ 4-5 आदमी थे तो उनका काफिला 7-8 गाड़ियों का क्या कर रहा है, वो भी 4:19 पर। जब कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ियों पर हमला होता है, जो खुद मिंटू चोरा की हैं, जो काफिले में चल रही थी, तब कांग्रेसी प्रत्याशी ज्योति पटेल से मिंटू चोरा ने कुर्मी जाति का कार्ड खेलने के लिए उकसाया। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को आगे करके उनके पीछे से जरूर साजिश हो रही है। ज्योति पटेल राजनीति के उतने दाव पेच नहीं जानती, वो सीधी और सरल नेता है, लेकिन उनको आगे करके उनके पीछे खड़ा कोई बड़ी साजिश जरूर कर रहा है। मैं पूरी कुर्मी समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज आपकी बेटी यहाँ पर मरने के लिए खड़ी है गड़ाकोटा में, आप लोग आइए यहाँ पर गड़ाकोटा में। अब यह वही मिंटू चोरा है जिनका छोटा भाई प्रहलाद पटेल के मुख्यमंत्री बनने के गड़ाकोटा में नारे लगाता है और उनके बड़े भाई उसी भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड की एक ही पुकार, प्रहलाद पटेल की बार।
तो मिंटू छोरा को दिल्ली से कहीं ऊर्जा तो नहीं मिल रही है, और ज्योति को आगे करके कहीं बड़ी राजनीति तो नहीं चली जा रही है जिसका पता शायद ज्योति पटेल को ना हो। बहरहाल कांग्रेस के बयानों में विरोधाभास है और घटनाक्रम के पहले कुछ बातें संदेहास्पद है। बाद में इन्हीं गाड़ियों में जिनमें तोड़फोड़ हुई है उनमें हथियार मिले हैं इसकी पुष्टि पुलिस ने की है। 3 घंटे मिंटू चौरा का 6-7 गाड़ियों का काफिले के साथ घूमना कई सवाल खड़े करता है। वो बार बार श्रीराम भार्गव के ऑफिस के आसपास क्यों जा रहे हैं, यह कोई ना कोई साजिश जरूर बता रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं इसी मामले के सहारे राजनीति के आगे दाव पेच खेलने की भी तैयारी हो गई है। आज सुबह सागर एक्सप्रेस ने उजला ली। SR इंटरप्राइजेज समस्त कंपनियों के CCTV कैमरों के थोक एवं फुटकर विक्रेता अपनी दुकान मकान होटल और संस्था में ब्रांडेड कंपनी के कैमरा सस्ते दामों पर लगवाएं, वो भी कमर्शियल साइट के अनुभव के साथ, तो अभी संपर्क करें।